नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। महादेव सट्टा मामले में आरोपी रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर की अर्जी पर सुनवाई पूरी हुई है। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटरों पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। 4 सितंबर 2023 को स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर आरोपी हैं और दोनों को ही लेकर फैसला फिलहाल स्पेशल कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, अभी मौजूदा समय में जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा गया है, अगली सुनवाई कब होनी है और क्या मुश्किलें लगती हुई नजर आ रही हैं, दोनों की बढ़ेंगी या फिर राहत मिलेगी? जी देखिए, बिल्कुल, दोनों प्रमोटर हैं। महादेव सट्टा ऐप घोटाले को लेकर के बड़ी कार्रवाई कभी भी हो सकती है। फिलहाल रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर जो दोनों प्रमोटर्स हैं, उन लोगों ने जो स्पेशल कोर्ट से जो वारंट जारी हुआ था उसके खिलाफ मामले को क्वेश कराने के लिए हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी और अर्जी पर सुनवाई हो चुकी है और फैसला को सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट अपने अनुसार उस पूरी सुनवाई का जो फैसला है वो देगी, लेकिन ये तय है, इससे पहले भी रेड कॉर्नर नोटिस दोनों के खिलाफ जारी किया गया है, तो दोनों आरोपी जो है वो कहीं भाग नहीं सकते क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस उन्हें जारी कर दिया गया है और कभी भी उन्हें दबोचा भी जा सकता है। चूंकि इस पर जो वारंट जारी हुआ था दोनों के खिलाफ, तो ऐसे में उन्होंने इस जो वारंट को चैलेंज किया है हाई कोर्ट में और पूरी सुनवाई हो चुकी है, कभी भी दोनों की गिरफ्तारियां हैं वो हो सकती है। फिलहाल महादेव सट्टा ऐप मामले में दोनों की तलाश है, सरगर्मी से की जा रही है। ईडी ने भी मामले दर्ज किए हैं और उसके बाद ये पूरा मामले का परत दर परत खुलासा हुआ है। हजारों करोड़ रुपए का ये जो घोटाला है महादेव सट्टा ऐप को लेकर के, तो इस पर बड़ी कार्रवाई कभी भी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए युगल। कार्रवाई को लेकर भी अभी सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि क्या कुछ किया जाएगा और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि पूछताछ के दायरे में आएंगे। उज्जैन की बात करेंगे। सुबह 5 बजे कांग्रेस के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने घर में घुसकर कांग्रेस के पूर्व पार्षद हाजी गुड्डू कलीम की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पत्नी और बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। इस मामले में पूछताछ की जा रही है, पारिवारिक रंजिश का मामला है या फिर कोई और वजह है। इन तमाम एंगलों से पुलिस जो है जांच कर रही है, जिसके बाद ही जो परत दर परत है बातें सामने आ पाएंगी। मैंने रात की 3:30 बजे के लगभग कैमरे की लाइट बंद हुई तो मैं बाहर आया। मैंने कहा कैमरे की लाइट बंद क्यों? फिर मेरा मेरा मामा के पास गया ऊपर, मैंने कहा यार आरिफ अभी आली सोया मेरा साला है छोटा, तो मैंने उससे बोला ये क्यों उसके पास गया? मैंने कहा अरे उसको दरवाजा गया तो सो गया। मैंने कहा इसको मत छेड़ो मामा के पास चलो। मैं मामा के पास गया, मैंने दरवाजे को धक्का लगाया तो खुला नहीं। मैंने कहा मामू, तो उसको नहीं, मैंने कहा यार ये भी सो गया यार, मत परेशान करो, वो बंद है तो बंद है, अपन सब है तो सही। फिर मैं आके नीचे बैठ गया, मैं बैठा ना तो किसी के आने की आवाज आई, ना जाने की आवाज आई, ना दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं करेक्ट 5:30 5:15 बजे के लग टाइम का ऐसा कुछ फाइनल नहीं है, ये लगभग टाइम हो रहा था एकदम जैसे धूम देना सवा जी। तो मेरे को तो पहले ही डर था मामा का, तो मैं सीधे ऊपर भगा, सीधे कमरे के अंदर भगा। जैसे कमरे के अंदर देखा तो मेरी जो मुमानी गेट खोल रही थी उन्होंने गेट खोला और बाहर निकली। अरे मैंने के क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ क्या हुआ? गोली मार दी। अरे तो गोली कहाँ से मार दी? दरवाजा तो तुमने खोला। गोली किसने मारी? अरे गोली मार दी। अरे दरवाजा तुमने खोला, गोली मारी, मैं अंदर गया। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए। अजय, पत्नी और बेटे को हिरासत में लिया गया है इस मामले में, फिलहाल क्या पूछताछ इनसे जुड़ी कुछ बातें अब तक सामने आ पाई हैं? जी देखिए, कांग्रेस के पूर्व पार्षद है गुड्डू कलीम, इनका जो है प्रॉपर्टी विवाद चला आ रहा था पारिवारिक, जिसमें जिसके चलते जो है आज सुबह 5 बजे गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें परिजन का ये आरोप है कि उनकी पत्नी और बेटे के द्वारा इस घटनाक्रम को प्रॉपर्टी विवाद को लेकर
जो है घटनाक्रम किया गया है। तो इस पूरे मामले में अब जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है तो इसके दो दिन पहले भी हुआ था। गुड्डू कलीम ने थाने में शिकायत भी की थी कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस समय पर यदि ध्यान देती तो ये घटनाक्रम नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से प्रॉपर्टी विवाद को लेकर यह घटनाक्रम हुआ है तो कहीं ना कहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एफएसएल टीम पूरे घटना स्थल पर जो मौका मुआयना कर रही है। मौका मुआयने के बाद जो उनकी पत्नी और बच्चे हैं उनसे पूछताछ के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अजय। हालांकि अब जांच के बाद ही बातें और समझ में आ पाएंगी कि हुआ क्या था, और पत्नी और बेटे को क्योंकि हिरासत में लिया गया तो फिर उनसे भी पूछताछ का सिलसिला अभी जारी है। चलिए अब एक नजर डालेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर।